Welcome to In search of good Thali restaurant in Pune, मैं आ गया शाही बोर्ड एट जेएम रोड। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थाली रेस्टोरेंट इन पुणे, तो सोचा क्यों ना आज विजिट करके देख लिया जाए। यहाँ का एम्बियंस वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली इनका इंटीरियर जो एक राजस्थानी थीम पे बेस्ड है। ब्यूटीफुल वॉल पेंटिंग्स रेस्टोरेंट के इंटीरियर में चार चांद लगा देती है। नॉर्मल सिटिंग के साथ साथ इनके पास एक पार्टी हॉल भी है जो एक लग्जरियस फील देता है। थाली परोसने की शुरुआत होती है टेस्टी जलजीरा और बटर मिल्क के साथ, और फिर धीरे धीरे करके सारी थाली कंप्लीट होती है। फूड वॉज सो गुड एंड टेस्टी, नॉट सो स्पाइसी, नॉट सो मसालेदार, और स्पेशली 27 आइटम से भरी हुई एक पूरी की पूरी थाली खाने का एक्सपीरियंस अमेजिंग था। अगर आपको भी एक्सपीरियंस लेना है सो शाही भोज एट जेएम रोड पे विजिट करना मत भूलना। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज रिवेंस सुमित, मैं आपको लेके आया हूं पंजाब एक्सोटिका इन Aminora Mall। रेस्टोरेंट में एंटर करते ही आपकी नजर ठहर जाएगी यहाँ के ब्यूटीफुल इंटीरियर पर, जिसको बहुत ही खूबसूरती के साथ डिजाइन किया हुआ है। They have different types of sitting arrangement, और अगर आप पूरी फैमिली के साथ आ रहे हो तो उसका भी स्पेशल अरेंजमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। रेस्टोरेंट एक्सप्लोर कर लिया, अब एक नजर डालते हैं इनके पंजाबी फ्यूजन फूड पर और शुरुआत करते हैं स्टार्टर्स के साथ। स्टार्टर चखने के बाद मेन कोर्स में ऑथेंटिक पंजाबी डिशेस जैसे सरसों का साग, मक्के की रोटी, दाल मखनी, ऐसी डिशेस आपका इंतजार कर रहे हो। स्टार्टर और मेन कोर्स खाने के बाद अब फाइनली बारी आती है कुछ यूनिक डेजर्ट्स खाने की। So guys, this is all about the Punjab Exotica at Aminora Mall. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। This is Sumit signing out for today. मिलते हैं अगले ब्लॉग में।
399 rupees में ये सब कुछ मिलेगा अनलिमिटेड। यस, ये ऑफर चल रहा है द इराज रेस्टोरेंट एट जेएम रोड। इंटीरियर और कंफर्टेबल सीटिंग के साथ में अगर आप खुले आसमान में बैठ के फूड एंजॉय करना हो तो उसका ऑप्शन भी यहां पे अवेलेबल है। अनलिमिटेड फूड के ऑफर की बात करूं तो एंटायर मेन्यू में से आप कुछ भी मंगा सकते हो, वो आपको मिलेगा अनलिमिटेड। मेन्यू में आपको इटालियन और एशियन डिशेस के साथ साथ इंडियन फूड ऑप्शन भी अवेलेबल है। सो बिना कोई देरी करे जल्दी से इराज रेस्टोरेंट पर विजिट करो और इस ऑफर का मजा लो। और हाँ, आप मुझे बाद में थैंक यू बोल सकते हो। कम टू पॉप इट्स द अंडरस्टॉप। रेट्रो अमेरिकन थीम रेस्टोरेंट है। लाइवली एम्बियंस के साथ दे हैव वैरायटी ऑफ सिटिंग्स इंडोर एज वेल एज आउटडोर। रूफटॉप पे होने की वजह से खुले आसमान के नीचे खाना खाने का मजा कुछ अलग ही है। खाने के साथ साथ आप ड्रिंक्स का भी मजा ले सकते हो फ्रॉम देयर इन हाउस बार। अमेजिंग सिजलर्स के साथ जो आप ट्राई कर सकते हो वो है इनकी पनीर मक्खी, जो टेस्ट में स्पाइसी और सो टेस्टी है। दिस इज ऑल अबाउट पॉपटेट्स। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा। हमारे पास छोले कुलचे भी आ गए और छोले भटूरे भी आ गए, लेकिन दोनों में एक प्रॉब्लम ये है कि इसके छोले अलग हैं, इसके छोले अलग हैं। पहले ये पूछेंगे भाई दोनों के छोले में डिफरेंस क्या है। दोनों छोले में डिफरेंस क्या है? ये पहले आप खाओ फिर बताएंगे। हेलो, वेलकम बैक, आई सुमित राज, मैं आपको लेके आया, सॉरी मैं नहीं, लेके आई है तेरी राजपूत। यहाँ पे ये क्यों लेके आई है, क्या खिलाने वाली है? क्या खिलाने? पनीर कुलचा। चलो ठीक है, ट्राई करके देखते हैं पनीर कुलचा कैसा है।
पहले आप खाओ फिर बताएंगे, आप पहले खाओ। ठीक है चलो पहले खाते हैं फिर देखते हैं। खाके हम देखेंगे फिर जाते क्या पिन कर रहे हो यार, धुआं भी नहीं निकला उसमें। पिन ना ऐसे होता है, जान से रुको, ऐसा होता है, ऐसा करना होता है, हाँ ये ऐसा धुआं निकलना चाहिए। मेरा नाम विकी राजपूत, मैं मेरे फादर मेरे बड़े भाई साहब मनीष राजपूत, हम तीनों एक साथ हैं। एक ही होटल का नाम जैसे तेरी राजपूत है, इसका मीनिंग कैसा निकलता है? इसका मीनिंग ये है कि जब इनिशियली हमारे गुरु ग्रंथ साहब ने प्रकाश किया था, शुरुआत में हमने सोचा कि क्या नाम होना है, तो पहला वाक्य आया था तेरी, और सब कुछ तेरा तेरा, भाई गुरु सब कुछ तेरा तेरा, तो उसके वजह से हमने लिखा है। पर ओके सही, हमारे होटल में सभी चीज़ें फेमस हैं, बट आपको कुलचे छोले हो गए, छोले भटूरे, समोसे, थाली भी बहुत फेमस है, जिसमें मेरा फेवरेट दाल राइस है। दाल राइस क्यों, ऐसा क्या है खास में दाल राइस आपको सबसे ज़्यादा फेमस लग रहा है? जैसे घर में बनती है वैसे ही दाल राइस। अच्छा, घर का फूड है, होमली। ओके, और आप जैसे मैंने अभी नेट पे सर्च करके आया था मैं, तो होटल के नाम से वैसे जैसे तेरी राजपूत है उतना नहीं है, कुछ डेयरी वगैरह भी है, तो ये क्या सीन है? इनिशियली मेरे ग्रैंडफादर आए थे पाकिस्तान से, तो इन 1947 सो वी स्टार्टेड द बिजनेस, फर्स्ट डेयरी, डेयरी से शुरुआत है हमारी। फिर उसके बाद 30 साल हो गए हमारे को ढाबे शुरू किया हुआ है, जिसमें ढाबा भी है, स्वीट भी है, डेयरी भी है, बहुत थ्री वन है, लोगों को जो चाहिए वो खाते हैं। तो अभी स्वीट्स में क्या फेमस होता है आपका? स्वीट्स में हमारे रस मलाई है, मलाई बर्फी सबसे फेमस है हमारी, वो खाते रहोगे आप खाओगे, वो तो बिल्कुल ट्राई करेंगे फिर। और कोई स्पेशल डिश जो आप बताना चाहो कि ये मुझे खानी ही चाहिए? कुलचा खाओ, पनीर कुलचा। ओके, आप खाओगे तो फिर पता लगेगा। स्वीटों को खाने की कितनी जल्दी पड़ी है पूरे चैनल पर रस्सी, मैंने तो सिर्फ ट्राई नहीं की थी, इससे पहले की रस्सी गिरा ट्राई। आप खाओगे तो सबसे पहले आप लोग भी यहाँ पे आना, डेली टेस्टी खाना है, जैसे स्वस्थ होता है ना, मिल जाएगा आपको यहाँ पे सच। हम कर बार आते हैं, वीडियो लाइक जरूर करना। माणसाचं जीवन आणि जेवण हे एकमेकांना पूरक असलं पाहिजे। सवाई व्हेज हे एक विशिष्ट ध्येय घेऊन सुरू केलेलं आहे। वेलकम टू सवाई व्हेज, जहाँ पे स्वाद के साथ साथ आपकी सेहत का ध्यान भी रखा जाता है।
मी ते ज्या डिश बनवतो त्या तुम्हाला कुठेच बाहेर मिळणार नाही. त्याचं कारण जेव्हा आम्ही 10 डिश तयार करतो त्यातल्या 2 नाही तर 3च या जीवनमान आणि तुमचे आरोग्य उंचवण्यासाठी परिपूर्ण असतात तेव्हाच ते आम्ही मेनूमध्ये ठेवतो. सवाई वेज का मेन्यू कार्ड फुली लोडेड है वैरायटी ऑफ डिशेस के साथ और यहाँ पे एक स्पेशल मेन्यू कार्ड भी है जो ब्रिली लिपि में लिखा हुआ है. वैरायटी ऑफ डिशेस में से मैंने ऑर्डर की इनके कुछ स्पेशल डिशेस. टेस्टी है, सॉफ्ट पनीर, मजा आ गया खाके, डिलीशियस फूड और कंफर्टेबल सिटिंग के साथ सवाई एक बेस्ट ऑप्शन है फैमिली के साथ डिनर के लिए. सवाई से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं जो हम जान के लेते हैं अमित जी से. नमस्कार, मैं अमित शिंदे, सवाई वेज प्रवर्तक. सवाई वेज है ज्या परिसरामध्ये आता काम करते त्यातल्या परिसराच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि समाजासाठी काम करायला आम्ही हॉटेल व्यावसायिक जरी असलो तरी एक सामाजिक उपक्रम म्हणून कायम कटिबद्ध आहोत. आपल्याकडे अनेक असे उपक्रम सवाईच्या माध्यमातून केले जातात की ज्याच्यामध्ये समाज उपयोगी गोष्टी घडण्यासाठी मदत होते. जसं की आम्ही सवाई वेजच्या माध्यमातून सवाई सोशल अँड स्पोर्ट्स फाउंडेशनची स्थापना केलेली आहे ज्याच्यामध्ये स्पोर्ट्ससाठी किंवा क्रीडासाठी मुलांना अंडर प्रिव्हिलेज मुलांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. तसेच आज आपण इथे जे जीवन जगतो त्याचा सगळ्यात मोठा भार किंवा त्याचं सगळ्यात मोठं श्रेय हे आपल्या सैनिकांसाठी आहे जे आपल्यासाठी आपल्या प्राणाची आहुती देण्यासाठी आपल्या बॉर्डरवर उभे असतात. तर आमच्याकडे इंडियन आर्मी, इंडियन एअरफोर्स, इंडियन नेव्ही, आर्मी, कोस्टगार्ड याच्यापैकी कुठलाही सर्विंग सोल्जर्स किंवा ऑफिसर्स जर युनिफॉर्म आणि विथ आय डी कार्ड जर आमच्याकडे आला तर आम्ही एक ग्रॅटिट्यूड म्हणून आमच्याकडून एक त्यांना उपहार म्हणून त्यांचे कुठलंही त्यांना 100% सर्व करतो. आणि जर कोणी नुसतं आय डी कार्ड घेऊन आले असतील आणि त्यांच्याकडे युनिफॉर्म नसेल तर त्यांना बिलामध्ये 50% सवलत देते. सवाई वेज हे एक विशिष्ट ध्येय घेऊन सुरू केलेलं आहे. माणसाचं जीवन आणि जेवण हे एकमेकांना पूरक असलं पाहिजे. नुसतंच चवीला चांगलं लागतं म्हणून ते चांगलं आहे असं न राहता आम्ही ज्या या पद्धतीत ज्या डिश बनवतो त्या तुम्हाला कुठेच बाहेर मिळणार नाही. त्याचं कारण जेव्हा आम्ही 10 डिश तयार करतो त्यातल्या 2 नाही तर 3च या जीवनमान आणि तुमचे आरोग्य उंचवण्यासाठी परिपूर्ण असतात तेव्हाच ते आम्ही मेनूमध्ये ठेवतो. प्रथमदर्शनी कदाचित तुम्हाला असं वाटेल की रेट्स थोडेसे हाय आहेत पण त्याच्यामागचं कारण असं आहे की त्याच्यामध्ये वापरले जाणारा जे पदार्थ आहे त्याच्यामध्ये वापरली जाणारी जी रॉ मटेरियल आहे अतिउच्च दर्जाचं असतं ज्याच्यामुळे आपल्या जीवनावरती आणि आपल्या आरोग्यावरती त्याचा चांगला परिणाम होईल ना की फक्त आपल्या जिभेचे चोचले पुरवण्यासाठी त्याचा वापर केला जाईल. आणि सवाई वेज हे साधारणपणे आरोग्याकडे पूरक आरोग्यपूरक जेवण हॉटेलचं जेवण आरोग्यपूरक आणि लोकांच्या जीवनाला ते सपोर्टिव्ह असेल अशा पद्धतीने आम्ही बनवतो. आमच्याकडे मिळणाऱ्या अनेक डिश आहेत ज्या तुम्हाला बाहेर मिळणार नाही जशी की मल्टीग्रेन रोटी 5 कडधान्य 6 कडधान्यांच्या ह्याच्यापासून कडधान्य वापरून बनवलेली रोटी त्याच्यामध्ये अनेक प्रकारच्या बिया वापरल्या जातात जी अत्यंत पौष्टिक आहे. ब्रोकोली कोको टिक्का ज्याच्यामध्ये ब्रोकोली आणि नारळाचं दूध वापरून तयार केली जाते अशा गोष्टी तुम्हाला कुठे बाहेर मिळणार नाहीत. कारण मी स्वतः हॉटेल मॅनेजमेंट पदवीच असल्यामुळे फूड सायन्स हे माझं स्वतःचं कोर कॉम्पिटन्सी आहे त्यामुळे आम्ही कुठलीही गोष्ट ही करताना टेस्ट राहील आणि ती जीवनमान आणि जीवनाला आणि आयुष्याला किंवा आपल्या आरोग्याला पूरक राहील अशा पद्धतीने इकडे तयार करतो आणि मगच ती ग्राहकांच्या समोर आणतो. आय होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. सो गाइज दिस इज उमित साइनिंग आउट फॉर टुडे. मिलते हैं अगले ब्लॉग में. टिल देन स्टे ट्यून्ड टू इंडिया शोर.